नमस्कार बच्चों, आज हम लोग मैथ की कक्षा में जो पिछले कुछ 3 वीडियो में हमने जो फॉर्मूले देखे थे उस पे आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 13.1 एक्सरसाइज जो है उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा है, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो अलग अलग घन है, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर ले लिया। देखिए, ये एक घन है और ये दूसरा घन है, तो दो अलग अलग घन है, तो दोनों घन को जब मिला देंगे तो यह एक बन जाएगा घनाभ। ठीक है, तो एक घन का जो आयतन है यानी जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो घन मिलाने से हमारा एक बन गया है घनाभ, और इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आप देखिए कि आधार यानी साइड नहीं दिया हुआ है, वो हमें ज्ञात करना होगा यानी निकालना होगा। तो पहले देख लीजिए कि घन का आयतन यानी वॉल्यूम कितना है, आयतन यानी वॉल्यूम है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है आयतन घन का आयतन ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 यानी 4 सेंटीमीटर। यानी ये यहां से यहां तक जो सिर्फ आधार है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से दो घन मिलाए हुए हैं, तो ये जो पूरा हो जाएगा यहां से यहां ये 8 हो जाएगा, 4 + 4 ये पूरा संपूर्ण कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये 4 है और फिर यहां से यहां 4 है, तो दोनों हो जाएगा 8। तो यह जो आपका जो ये घनाभ बना है तो उसका ये वाला हिस्सा क्या होता है, लेंथ होता है यानी लंबाई। तो आपका इसमें से जो आपका घनाभ बन रहा है उसका एल है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए कि चौड़ाई वो तो बराबर ही है जो पहले था, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो चूंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो अगर ये घन होता ए है तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 सेंटीमीटर आया। तो इसीलिए हम लोग ये जो घनाभ है उसका ऊंचाई घन जो पहले घन था उसी की तरह है, तो इसका जो एच हो जाएगा वो भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्या निकालने बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं दिया हुआ है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA जो आपका होता है, क्या था फॉर्मूला, 2 × LB यानी L × B + B × H + H × L। तो अब सब इसमें रख देंगे वैल्यू, 2 गुना आपका लंबाई कितना है 8 गुना चौड़ाई है 4 + BH, B है आपका 4 और हाइट भी 4 है, प्लस एच है 4 और आपका एल है 8। तो यह आपका हो जाएगा 2 गुना, अंदर वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 32 + 16 + 32। तो अगर आप ये जोड़ दे 32 + 32 = 64 और 64 + 16 आपका हो जाएगा 80। तो यह आपका हो जाएगा 2 × 80 यानी 160 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया आपका उत्तर, यानी ये जो घनाभ है उसका आपका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह हो गया आपका 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले का
के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्ध्यारोपित है। ठीक है, तो कोई खोखला बर्तन है, ठीक है, ये मैंने उल्टा डायग्राम ले लिया है, ये खोखला बर्तन है, यानी नीचे क्या है, एक खोखला अर्ध गोले का आकार का है। तो पहले, ठीक है, जिसके ऊपर खोखला बेलन है, ऊपर में ये बेलन हो गया, ठीक है, खोखला अर्ध गो एक खोखले अर्ध गोले का आकार है जिसके ऊपर बेलन है, तो नीचे पे ये जो अर्ध गोला है, ये अर्ध गोला हो गया और ये हो गया आपका बेलन। तो ये मैंने पहले से ही उल्टा ले लिया है, तो इसको देख लेते हैं, ये है अर्ध गोला आपका और ये है आपका बेलन, दोनों खोखला है, ठीक है, यानी अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, यानी जो हमें इसका पेंदी है वो नहीं लेना है। और इसका जो देखिए अर्ध गोला है, इसका जो ये वृत्त वाला पार्ट हो गया वो तो इसमें मिल गया है, तो इसलिए इसका पेंदी तो अब रहा नहीं। तो हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, इसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आधा रह गया, इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसमें आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास अगर किताब होगा तो आप देख लेंगे, इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा क्षेत्रफल, अंदर वाला हिस्सा का, आंतरिक हिस्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आपको निकालना है। अब क्या क्या इसमें दिया है जानकारी, अर्ध गोले का व्यास यानी जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, ये है अर्ध गोला, इसका रेडियस यानी त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई यानी यहां से लेकर ये पूरा नीचे, यानी ये पूरा यहां से यहां कुल ऊंचाई है आपका 13 सेंटीमीटर। अर्ध गोले का व्यास, व्यास यानी आपका, सॉरी, व्यास हो गया आपका डायमीटर, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, और पूरे जो इसकी लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा है 13 सेंटीमीटर। तो जब यहां से यहां हम लोग अगर देख ले, यहां से यहां है 7 सेंटीमीटर और पूरा 13 है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, 7 + 6 = 13, यानी ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आपका त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या आप इसमें देखिए बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो गोलीय भाग है वो मिल रहा है, यानी दोनों का रेडियस, आप चाहे वो रेडियस ले अर्ध गोले का या बेलन का, दोनों का जो रेडियस है, आर का वैल्यू है, वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इसमें जो बेलन है, बेलन का जो आपका ऊंचाई जो हो गया वो है आपका 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसके आंतरिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना है, यानी इनर सरफेस एरिया। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो अर्ध गोला है उसका वक्र क्षेत्रफल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वक्र, इसको मैं 1 सेकंड, इसको भी मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं ये अर्ध गोले का, वक्र क्षेत्रफल, आगे से मैं सीए से लूंगी, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रही हूं, प्लस ये जो आपका बेलन है, बेलन का
वक्र क्षेत्रफल, इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं लेंगे। कौन सा क्षेत्रफल? इस ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये छूट गया है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय, ये आपको इस तरह से एग्जाम में भी लिखना है, इसलिए ये पूरा ये आप लोग ये भाषा में लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आपका हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला याद करिए कि अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² और बेलन का 2πrh। दोनों का जो ये त्रिज्या है बराबर है, तो हम लोग इसका वैल्यू डाल देंगे, 2 × π का वैल्यू सबको ज्ञात होगा, 22/7 रेडियस 7 × 7 प्लस, हम लोग अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 रेडियस है आपका 7 और ये जो आपका बेलन का जो ऊंचाई है वो है 6। ये 7 7 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा आपका, यानी आ गया 44 × 7 प्लस 44 × 6, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 44 को ले ले बाहर, तो 7 + 6 यानी 44 × 7 = 13 जो कि आपका गुना करके आएगा 572 cm². यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आपका उत्तर हो गया। तो मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।